الحمد لله رب कहते हैं कि जब कोई फौत हो जाए, अगर आप रोते हैं, हाँ, अगर वावेला करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, थप्पड़ मारते हैं मुंह पे, तो फिर मैयत को तकलीफ होती है। और बाद उलमा कहते हैं कि अगर मैयत का मंशा ये था कि मेरे ऊपर रोएं, फिर उसको तकलीफ होगी, वरना उसका क्या कसूर है। मेरे वालिद ने बेटियों के नाम जायदाद लिख दी थी, बेटियों, भाई ने पटवारी के साथ मिलकर बहनों की जगह बीवी और भाभीियों के अंगूठे लगवाए, बिल्कुल ये फ्रॉड है, उसके खिलाफ केस करें। इंशाअल्लाह वो 420 में जेल जाएगा, और जिन्होंने वो झूठे इंतकाल अंगूठे लगवाए वो भी सब जेल चले जाएंगे, क्योंकि आजकल तो एक मिनट में अंगूठे को देख लेते हैं किसका है। दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, वो भी दुआ में लिखा होता है तकदीर में कि अगर ये दुआ मांगेगा तो मैं बदल दूंगा। बंदा जो दुनिया से चला जाता है, मरने से 40 दिन पहले उसको पता लग जाता है, किसी को पता नहीं लगता, अचानक एक सेकंड में फौत हो जाता है, पता कैसे लगता है। बहरहाल मेरे मियाँ दुनिया से चले गए, मैं माफ़ी नहीं मांग सके। अब उनके लिए आप नेक अमल करती रहें, खैरात करें, सदका करें, तवाफ़ करें, उमरा करें। हज़रत ईसा जब दुनिया में आएंगे तो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चल जाएगा, फिक्र न करें। जब नबी आता है पता नहीं चलता। कब्र में अजाब मिलेगा, काफिरों को मिलेगा, इंशाअल्लाह मोमिनों को अल्लाह अजाब से बचाएंगे। अजाब कब्र ना हो तो हजूर ने पनाह क्यों मांगी? इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व फितनतिल क़ब्र। बहरहाल जो नमाज़ें क़ज़ा हैं, आने वाली नमाज से पहले पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। जब बंदा चला जाता है तो रूह घर में आते, किसी के घर में नहीं आए। आए तो पकड़ के रख लो, उसको बिठा दो, फिर जाने क्यों देते हो? जब वो तुम्हारे घर में आए तो जाला एक टांग दो और जाल में फांस दो उसको। जो ठेक किस्से लोगों ने बनाए हुए हैं, रूह घर में आती है।